नाम के विपरीत आचरण। पहली बार विधायक बने तो नाम रख लीजिए ना कायर बहादुर सिंह, कि हम इतने बड़े कायर हैं कि हम देवी देवता पर धार्मिक आस्था पर तो टिप्पणी तो करते हैं लेकिन उसके घर जाकर भोज भी खाते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के शुरुआत में ही राजद और जदयू के बीच में बवाल मच चुका है। आपको बता दें कि 2024 के पहले दिन यानी आज पहली तारीख है और पहली तारीख के दिन ही राजद जदयू के बीच खटास देखने को मिलना शुरू हो गया है। बताएं आपको कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार में कई तरह की बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही राजद से अपना गठबंधन तोड़ेंगे और बिहार के राजनीति में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच में राजद के विधायक जो फतेह बहादुर हैं, उन्होंने माँ सरस्वती पर जिस प्रकार से टिप्पणी की, जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इस भाषा के बाद एक बार फिर से जदयू ने विधायक फतेह बहादुर, जो राजद के विधायक हैं, तेजस्वी यादव के करीबी बताए जाते हैं, उनको उनकी हैसियत बता दी है। नीरज कुमार जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, सह MLC भी हैं, उन्होंने फतेह बहादुर को जम के क्लास लगा दिया है। आपको बता दें कि माँ सरस्वती पर जिस तरीके से फतेह बहादुर ने टिप्पणी की थी, अभद्र बातें कह दी थी, फतेह बहादुर न सिर्फ माँ सरस्वती बल्कि इसके पूर्व में माँ दुर्गा पर भी कई तरह की बातें उन्होंने कही थी। अब इस पर जो जदयू के MLC हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, नीरज कुमार, उन्होंने जम के क्लास फतेह बहादुर का लगा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, वो सुनिए। नाम के विपरीत आचरण। पहली बार विधायक बने तो नाम रख लीजिए ना कायर बहादुर सिंह, कि हम इतने बड़े कायर हैं कि हम देवी देवता पर धार्मिक आस्था पर तो टिप्पणी तो करते हैं लेकिन उसके घर जाकर भोज भी खाते हैं, उसके घर पर जाकर के शादी समारोह में भी शामिल होते हैं। तो आखिर इस बात की सार्वजनिक घोषणा करिए माननीय कायर बहादुर सिंह जी, यह घोषणा करना है चाहिए आपको कि जिसके घर में पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है, सामाजिक समारोह में मंत्रोच्चार होता है, श्राद्ध होता है, अगर श्मशान जाना पड़ता है वहां भी मंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है तो हम वहां नहीं जाएंगे, ऐसा घोषणा करिएगा तभी माना जाएगा, नहीं तो जनता प्रतीक्षारत रहती है कि ऐसे आस्था पर हमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।